हमारे प्रतिदिन की रोटी कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश भारी लेकिन आशावान। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, भजन 88 पद 1। पीनट्स कॉमिक स्ट्रिप पट्टी में बहुत ही उत्साही चरित्र लूसी ने 5 सेंट के बदले में मनोचिकित्सीय मदद देने का विज्ञापन दिया। लाइनस उसके कार्यालय में आकर अपनी उदासी की गहरी भावना उसे बताया। जब उसने उससे पूछा कि वह अपनी स्थिति के बारे में क्या कर सकता है, तो लूसी का त्वरित उत्तर था, इसे संभलो, कृपया 5 सेंट दीजिए। जबकि इस तरह का सुकून देने वाला मनोरंजन एक क्षणिक मुस्कुराहट लाता है, वास्तविक जीवन में होने वाली उदासी और निराशा हमें जकड़ सकती है, जिन्हें आसानी से खारिज नहीं किए जा सकता। निराशा और नाउम्मीदी की भावनाएं वास्तविक हैं और कभी कभी पेशेवर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लूसी की सलाह वास्तविक पीड़ा को संबोधित करने में सहायक नहीं थी। हालांकि भजन 88 का लेखक कुछ शिक्षाप्रद और आशावादी सलाह देता है। मुसीबत से भरा एक ट्रक उसके दरवाजे पर आ गया और इसलिए नम ईमानदारी के साथ उसने परमेश्वर के समक्ष अपना हृदय उंडेल दिया। मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। पद 3। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। पद 6। अंधकार ही मेरा साथी है। पद 18। हम भजनकार की पीड़ा के विषय सुनते हैं, महसूस करते हैं और शायद उसके साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। फिर भी सब कुछ यह नहीं है। उसका विलाप आशा से पूर्ण है। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे और मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। पद 1-2, पद 9, पद 13। भारी चीज़ें आती हैं और व्यावहारिक कदम जैसे परामर्श और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ईश्वर में कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। आप कब अपनी निराशा के बीच परमेश्वर की ओर मुड़े हैं? इस समय आपको उसे पुकारने से क्या रोक रहे हैं? हे पिता, मेरी स्थिति की परवाह किए बिना मुझे आपकी खुली स्वागत करने वाली बाहें देखने में मदद करें। लेखक आर्थर जैक्सन। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 6 मई 2021। धन्यवाद।